हेलो स्टूडेंट्स, हम न्यूटन की गति के समीकरण में कुछ प्रॉब्लम्स लास्ट लेक्चर में किया था। गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत वस्तु को वर्टिकली ऊपर से नीचे की ओर गिराया और नीचे से ऊपर की ओर हमने फेंका। तो जब नीचे से ऊपर की ओर जब हमने फेंका तो वस्तु कितनी अधिकतम ऊंचाई तक वस्तु जाएगी, उसके लिए हमने फॉर्मूला निकाला। सेकेंड, उस अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त करने में कितना समय उसको लगेगा, सर ये भी हमने निकाला। ओके, अब हम यहाँ जो गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत जो वस्तु की गति हो रही है सर, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हम आपके टेक्स्ट बुक की कर रहे हैं, टेक्स्ट बुक की कुछ क्वेश्चंस करेंगे और कुछ रिजल्ट्स भी हम निकालेंगे। ठीक है, देखिए आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, आपके टेक्स्ट बुक के दो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, आपके टेक्स्ट बुक से कनेक्टेड दो क्वेश्चन है आपकी, वो हम करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन जो आपका है देखो वो क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए वो है, उसने कहा कि एक बहुमंजिल बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है आपकी, ओके, जिसकी हाइट उसने दे रखी है, तो यहां से लेकर इसकी हाइट कितनी एच तक, वो है 25 मीटर, 25 मीटर हाइट की बिल्डिंग है। तो वहां से हमें क्या करना है, एक गेंद को 20 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंकना है। ठीक है, यहां से हमने किसी वस्तु को वर्टिकली ऊपर की ओर फेंका ऐसे, ठीक है, किस वेग के साथ, तो उसने बोला 20 मीटर पर सेकंड, इस वेग के साथ हमने वस्तु को ऊपर की ओर फेंका। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो उसका ये है कि बताओ वो पहला क्वेश्चन तो उसका ये है कि अधिकतम ऊंचाई कितनी वो जाएगी, किस बिंदु से गेंद फेंकी गई, तो धरती से उसकी ऊंचाई 25 मीटर है, तो पहला तो गेंद कितनी ऊपर जाएगी, दूसरा गेंद को सरफेस से टकराने में कितना समय लगेगा। देखो दो क्वेश्चन है, बहुत सिंपल से है, उसने कहा कि 25 मीटर हाइट की बिल्डिंग है, बिल्डिंग से हमने एक वस्तु को फेंका वर्टिकली ऊपर की तरफ, किस वेग के साथ, सर 20 मीटर पर सेकंड की वेग से फेंका, तो बताइए कि वो कितनी अधिकतम हाइट पर जाएगी। पहला क्वेश्चन तो उसका ये है, तो सर ये है उसकी अधिकतम हाइट, यही है सर, यहां से 20 मीटर से फेंक रहे तो उसका प्रारंभिक वेग कितना है, 20 मीटर पर सेकंड है, सर जैसे ऊपर फेंकेंगे तो उसका वेग धीरे क्या होगा, कम होगा, और कम होते होते अंत में वेग कितना हो जाएगा, जीरो। तो जहां उसका वेग जीरो हो जाएगा, जहां उसका वेग जीरो हो जाएगा सर, उसके बाद में वो ऊपर जाना बंद कर देगी, तो वही होगी सर उसकी अधिकतम ऊंचाई। तो पहला क्वेश्चन तो ये है सर अधिकतम ऊंचाई, और इसके बाद में क्या होगा सर, इसके बाद में अगर बात करेंगे तो वस्तु वापस वर्टिकली नीचे की ओर गिरेगी। अगर उसके बाद में हम बात करें तो वस्तु वापस नीचे की ओर वर्टिकली गिरेगी, ये गई और वापस नीचे की ओर आएगी। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि उसको अधिकतम हाइट कितना समय लगेगा, अधिकतम ऊंचाई कितनी जाएगी, दूसरा इस वस्तु को नीचे आने में कितना समय लगेगा, वस्तु को नीचे आने में समय कितना लगेगा, तो समय का कौन सा तरह, तो यहां से यहां तक जाने में समय निकालना पड़ेगा कि पहले वस्तु यहां से यहां जाएगी, फिर वस्तु यहां से वापस नीचे भी आएगी, तो सर टोटल समय पूरा ये निकालना है, यहां से यहां तक T1 और यहां से यहां तक T2, तो टोटल कितना होगा सर, T1 प्लस T2, तो हमें टोटल टाइम भी निकालना है। तो दो चीजें निकालनी है, नंबर वन पहले तो देखो सर आप हाइट निकालिए, फर्स्ट तो हम क्या निकालेंगे सर, यहां से यहां तक जाने में हाइट कितनी लेगा वो, अधिकतम ऊंचाई कितनी जाएगा, तो सर कैसे निकालें सर, सिंपल न्यूटन के गति के समीकरण से हम डायरेक्ट सूत्र यूज कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो, अधिकतम ऊंचाई का सर कितना बताया था आपने, सर बताया था मैक्सिमम क्या होता है सर, U² / 2G गिरा सर अधिकतम ऊंचाई, दूसरा सर अधिकतम ऊंचाई यहां से यहां तक लगा, टाइम भी निकालो, टाइम क्या होगा सर, टाइम बताया था आपने गिरा क्या, U / G, तो सर ये है अधिकतम ऊंचाई और ये है अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त करने में लगा समय, ये लास्ट लेक्चर में हमने आपके लिए फॉर्मुले निकाले, तो आप डायरेक्ट फॉर्मुले भी यूज कर सकते हैं, हम डायरेक्ट फॉर्मुले भी यूज कर सकते हैं, सपोज करो फॉर्मूला आपको लर्न नहीं है, याद नहीं है, मिस कर गए, तो हम डायरेक्ट इक्वेशन यूज करो, पहला हम निकालते हैं अधिकतम ऊंचाई, तो कौन सा यूज करेंगे सर, न्यूटन की गति का तृतीय समीकरण, तो पहला निकाल रहे हम अधिकतम ऊंचाई,
अधिकतम ऊंचाई की बात वो कर रहे हैं, एच मैक्सिमम वो कितने ऊपर जाएगा वो निकाल। तो निकाल सर न्यूटन के थर्ड इक्वेशन से कितना सर ये वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस टू जी एच, माइनस क्यों लिया, क्योंकि सर वर्टिकली ऊपर जा रहे हो तो वस्तु का वेग धीरे धीरे क्या होगा कम होगा, तो मंदन है तो मंदन तो क्या होगा ऋणात्मक होगा, ठीक है। अब सर अंतिम वेग कितना करना है जीरो, तो जीरो स्क्वायर कितना आएगा सर यू स्क्वायर माइनस टू जी, और ये क्या आएगा मैक्सिमम कितना आएगा भाई, और यहां से सर एच मैक्सिमम अगर आप निकालोगे तो हम निकाल चुके कितना आएगा सर यू स्क्वायर अपॉन टू जी, यू स्क्वायर अपॉन टू जी। अब देखिए आप हमें किसका मान देखा है प्रारंभ वेग का कितना है 20 मीटर पर सेकंड, और सर जी जी हम जानते हैं सर 9.8 मीटर पर सेकंड, तो हम जानते हैं सर यहाँ दो वैल्यू है प्रारंभ वेग कितना है सर 20 मीटर पर सेकंड दे रखे हैं, और सर जो जी है वो कितना है सर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको हम लगभग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही ले लेंगे, कितना ले लेंगे 10। तो बोलो एच वैल्यू कितना आएगा सर, एच मैक्सिमम हमारे पास जो आया सर वो आ गया 20 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10, तो कितना आएगा सर आ गया 20 इंटू 20, और अपॉन में कौन है सर 2 इंटू 20, तो सॉरी 2 इंटू 10, तो बोलो क्या होगा 10 2 20 20 कैंसिल हुआ, तो ये आंसर आएगा सर 20 मीटर, कितना आएगा सर हमारे पास आ गया 20 मीटर। तो एच मैक्सिमम कितनी ऊंचाई पर वो जाएगा सर 20 मीटर हाइट तक वो जाएगा, तो आप देखो ये हाइट भी हमारे पास आ गई कितनी 20 मीटर, तो 25 ये तो कितना था 25 मीटर हाइट की बिल्डिंग से उसको वर्टिकली फेंका किस वेग के साथ 20 मीटर पर सेकंड वेग से, तो कितनी ऊंचाई तक जाएगा सर 20 मीटर तक वो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन तो हमारा हो भी गया, यही तो पहला क्वेश्चन था कि बताइए वो अधिकतम कितना ऊपर जाएगा, तो सर देख लो प्रारंभ वेग कितना है 20, अंतिम वेग कितना होगा जीरो, तो हाइट निकालते थर्ड इक्वेशन यूज करके अधिकतम हाइट निकाल लेते। दूसरा उसने बोला कि सर इस वस्तु को सरफेस तक आने में कितना समय लगेगा, तो आप देखो सरफेस तक आने की अगर बात करें तो वो टोटल ट्रेवलिंग की बात कर रहा है, कैसे सर वापस कैसे, देखो पहले बस जो है वस्तु पहले यहां जाएगी ऐसे और फिर वापस लौट कर ऐसे आएगी, तो पहले ऊपर गई ऊपर और फिर वापस नीचे, तो यहां से यहां तक का टाइम निकालो टी वन, फिर सर यहां से यहां तक का टाइम आएगा टी टू, और टोटल टाइम होगा टी वन प्लस टी, ठीक है। अगर टोटल टाइम आप निकालना चाह रहे हो तो पहले यहां से यहां तक का टाइम निकलेगा, फिर यहां से यहां तक का टाइम निकलेगा, और फिर दोनों को जोड़, तो पहले हम निकाल रहे हैं ये अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त करने में लगा समय टी वन, तो पहले निकालेंगे अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त करने में लगा समय, क्या निकालते टी वन, पहले हम क्या निकालते सर अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त करने में लगा समय कौन है सर टी मैक्सिमम या टी वन बोल, किससे निकाल सर न्यूटन के गति के प्रथम समीकरण से, ये ना डायरेक्ट भी यूज कर लो सर, कौन ना कर डायरेक्ट यूज कर लीजिए या फिर लिख लीजिए, क्या सर फर्स्ट इक्वेशन क्या आया था बी इक्वलेंट यू माइनस जी टी, ठीक है, तो जीरो इक्वलेंट क्या आएगा यू माइनस जी टी मैक्सिमम, बताओ टी मैक्सिमम कितना आएगा सर, यह आएगा यू अपॉन जी, यू अपॉन जी, तो यू तो कितना है सर यू तो है 20, जी कितना है 10, तो आप देखो जो टी मैक्सिमम है अधिकतम हाइट में जाने का सर 2 सेकंड लगेगा। अब बताइए क्या हमने यहां से यहां तक का टाइम निकाल लिया ना, कितना लग रहा है 2 सेकंड। अब सर आप कहेंगे ये यहां से यहां तक का टाइम वो निकाल, तो वो होगा नीचे आने में कुल लगा समय, तो यहां से टोटल ऐसे नहीं यहां से पहले पूरी ट्रैवलिंग का टाइम पूछ रहे हैं, यहां से आते कितना टाइम प्लस यहां से यहां पे टोटल निकालेंगे, तो अब देखो सर यहां से यहां तक का समय हमें वो निकाल, और सर ये समय कैसे निकाल कौन से इक्वेशन से लिखे न्यूटन के फर्स्ट इक्वेशन, बोलो सर न्यूटन का फर्स्ट ये रहा वी इक्वलेंट यू प्लस जी टी, सर दूसरा एच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू जी एच, कौन सा लगाया सर कौन सा यूज करना है सर, ठीक है। तो सर यहां से यहां तक अगर हमें लेना है तो सर टाइम निकालना है, तो या तो टाइम यहां से निकालो सर, अब सर यहां से टाइम के तो हमें क्या चाहिए प्रारंभ वेग और क्या चाहिए अंतिम वेग, तो देखो ना तो हमारे पास यहां का प्रारंभ वेग तो पता है जीरो, ठीक है, अंतिम वेग पता नहीं, तो सर ये नहीं करेंगे। दूसरा सर यहां से निकालोगे तो प्रारंभिक अंतिम वेग चाहिए, जबकि आप सेकंड इक्वेशन की बात करें तो क्या चाहिए प्रारंभिक वेग चाहिए और क्या चाहिए हाइट चाहिए, कितना चल गया यहां से यहां तक ट्रेवलिंग दूरी h पता है सर कितनी है,
बिल्डिंग कितनी हाइट की थी? 25 मीटर। कितना और ऊपर गया? 20 मीटर। तो बताओ टोटल कितना ऊपर चला गया वो? यहां से यहां तक देखोगे ना तो सर ये जो टोटल हाइट है सर वो हो गई 45 मीटर। भाई 25 मीटर की तो बिल्डिंग है, 20 और ऊपर चलेगी तो टोटल कितनी हाइट से गिर रहा है? सर 45 मीटर उसको गिरना है। तो प्रारंभ भी कितना है यहाँ पे? जीरो। कितना आना है उसको? 45 मीटर। तो कितना टाइम लेगा? तो वो किससे निकालेंगे सर? न्यूटन के गति के, किससे निकालेंगे सर? न्यूटन के गति के सेकंड इक्वेशन से, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड दोनों में हमें क्या चाहिए? अंतिम फाइनल वेलोसिटी चाहिए, और फाइनल वेलोसिटी हमारे पास यहाँ की नहीं है। हमारे पास क्या है? एक तो हाइट कितना 45 मीटर चल रहा है, और क्या पता है प्रारंभ वेग कितना है? जीरो। प्रारंभ वेग जीरो, और ये गति का पहला पार्ट है और ये गति का सेकंड भाग। गति का पहला पार्ट का अंतिम वेग कितना है? जीरो। वो गति के दूसरे भाग का क्या है? प्रारंभ वेग होंगे। देखो ये गति का पहला भाग, यहां अंतिम वेग कितना है? जीरो। पर ये जो अंतिम वेग जीरो था वो इस गति का क्या बन गया है? प्रारंभ वेग बन गया। तो उसका प्रारंभ वेग कितना होगा? जीरो। अंतिम वेग हमारे पास में नहीं, कोई बात नहीं, पर इस गति का प्रारंभ वेग कितना है? जीरो है। कितना चल रहा है उसको? 45 मीटर। तो क्या टाइमिंग का सर किससे? सर निकालेंगे न्यूटन के गति के द्वितीय समीकरण से। तो द्वितीय समीकरण यूज करो, h बराबर क्या आएगा? तो ये आएगा ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। ठीक है सर, प्लस लेगी माइनस लेगी। देखो आपने यहां पे क्या लिया? माइनस। यहां पे हमने क्या लिया? माइनस। क्यों? क्योंकि सर गति के पहले भाग में वस्तु कहां जा रही है? ऊपर की ओर। तो वेग कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो क्या है सर? मंदित अवस्था है, तो माइनस ली। पर आप देखो गति का जो सेकंड भाग है, ये जो गति का सेकंड भाग है सर, इसमें ऐसा नहीं है सर। यहां तो वस्तु नीचे की ओर आ रही है और लगातार वस्तु का वेग क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो वस्तु किस अवस्था? त्वरित अवस्था में। और त्वरित अवस्था में तो क्या लेंगे? प्लस। तो यहां कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई रटना नहीं है हमें कि कब हमें प्लस लेना है, कब हमें माइनस लेना है। बहुत सिंपल सा ध्यान रखें कि अगर मंदित अवस्था है तो माइनस लेना है, और त्वरित अवस्था है तो क्या लेना है? प्लस लेना। ठीक है, चलिए तो अब बताओ क्या लेना है, बताओ हमें किस तरह से करना है। अब आप देखो सर यहाँ पे क्या लेना है? सर प्लस लेना है। ओके, तो सर हाइट कितनी है? 45। तो प्रारंभ वेग कितना है? 0 इंटू टी प्लस ये कितना है सर? हाफ। और जी कितना है? 10, और इंटू में कौन है सर? टी स्क्वायर। तो देखो कितना है सर, ये 45 सर ये 0 में चला गया, तो 45 इक्विवेलेंट कितना आ गया सर? ये आ गया 1/2 इंटू 10, और इंटू में कौन है? टी स्क्वायर। तो वी क्या कट जाएगा, कितना आएगा सर? ये आएगा 5। तो ये आ गया सर 5t² / 45। तो सर टी स्क्वायर कितना आएगा? 5/9। तो टी कितना आएगा? 3 सेकेंड। टी कितना है? 3 सेकेंड। तो उसको यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लग रहा है? 3 सेकेंड सर। ये 3 सेकेंड है सर, और सर ये कितना था? 2 सेकेंड है सर। तो टोटल टाइम कितना लगा सर? 2 सेकेंड यहां लग रहे हैं, 3 सेकेंड ये लग रहा है, तो टोटल कितना सर? 5 सेकेंड। बाद आफ्टर 5 सेकेंड जो ऑब्जेक्ट या वस्तु है सर वो सरफेस से टकरा जाए, सरफेस से टकरा। तो आप देखो हमने पूरा क्वेश्चन आपके बुक का ही किया है, पर कहीं भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल सा है। पहला क्वेश्चन उसने पूछा अधिकतम ऊंचाई कितनी जाएगा, तो बहुत सिंपल है सर, थर्ड इक्वेशन यूज करो, अंतिम वेग जीरो करके हाइट निकाल लो। सर कितना टाइम लेगा? सर बहुत सिंपल है, फर्स्ट इक्वेशन यूज किया, अंतिम वेग जीरो किया, टाइम निकाल लिया। ठीक है, फिर तीसरा सर यहां से यहां तक का टाइम भी पूछ रहे, तो निकाल लो कितनी हाइट गिर रहा है? 45 मीटर हाइट से गिर रहा है। प्रारंभ वेग कितना है? 0 है। तो थर्ड कौन सा सर? सेकंड इक्वेशन यूज कर लिया। तो देखो हमें रटना नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन किससे खोना है, कौन सा क्वेश्चन किस इक्वेशन से होना है, वो हम क्वेश्चन को देखकर ही डिसाइड करेंगे कि वहां हमें कौन कौन सी वैल्यू दे रखी है, और हम उन गिवन वैल्यू के बेसिस पे कौन सा इक्वेशन यूज करें ताकि हम रिजल्ट तक पहुंच पाए। तो आपको गिवन वैल्यूज पे फोकस करना पड़ेगा कि हमें कौन कौन सी वैल्यू दे रखी है, और गिवन वैल्यूज के आधार पर डिसाइड करो कि फर्स्ट इक्वेशन यूज करना है या सेकंड यूज करना है या थर्ड यूज करना है। ठीक है, रटना नहीं है इसको, आप थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप आपको आइडिया होगा। ठीक है, अब देखो सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसका वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। गैलीलियो का विषम संख्याओं का नियम क्या है? गैलीलियो का विषम संख्या का नियम, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बार बार एग्जाम में डिस्कस होता है। ठीक है, तो करिए बेटा, अब करने जाते हैं हम लोग क्या, गैलीलियो का विषम संख्या का नियम कर रहे।
देखिए क्या है, यह है गैलीलियो का विषम अंक संबंधित नियम। हम क्या करने जा रहे हैं, गैलीलियो का विषम अंक संबंधित नियम, संबंधित नियम क्या है सर? गैलीलियो का विषम अंक संबंधित नियम। देखो ये लो क्या कहना चाह रहा है, इस लो ने एक रिजल्ट निकाला। हमने क्या किया है कि सर एक वस्तु है सर, उसको वर्टिकली सर ऊपर से नीचे की ओर गिरा है। एक वस्तु को हमने क्या किया है सर, वर्टिकली ऊपर से नीचे की ओर गिरा है। सपोज करो सर ये है हमारा, सर ये आपने लिया, वस्तु को वर्टिकली ऊपर से नीचे की ओर गिरा है, ठीक है। अब प्रारंभिक जीरो के लिए बोल रहे हैं कि प्रारंभिक कितना है, जीरो है। वो कह रहा है कि समान इंटरवल में तय की गई दूरियों का अनुपात निकालो। समान अंतराल के पश्चात तय की गई दूरियों का अनुपात कितना होना चाहिए, 1:3:5 में होगा। नियम क्या कहता है, विराम अवस्था से गिरती हुई वस्तु के द्वारा समान समय अंतराल में तय की गई दूरियां किस अनुपात में होती है सर, 1:3:7 में होती है। क्या कहता है, विराम विराम अवस्था से गतिशील वस्तु वस्तु के द्वारा समान समय अंतराल में तय की गई दूरियों का अनुपात 1:S1:S2:S3 क्या चलेगा सर, 1:3:5:7 में होता है, ओके। ये है गैलीलियो का विषम अंक संबंधी नियम। क्या कहना चाह रहा है कि हमें किसी वस्तु या पार्टिकल को वर्टिकली ऊपर से नीचे की ओर गिराना है। किसी वस्तु को क्या करना है सर, ऊपर से नीचे की ओर गिराना है, ठीक है। तो जब वस्तु ऊपर से नीचे गिरेगी तो समान समांतराल में तय की गई दूरियां निकालनी है और उनका अनुपात हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या मिलेगा सर, समान समांतराल में तय की गई दूरियों का जो अनुपात है सर, वो 1:3:5 में मिलेगा। तो कैसे सर, बहुत सिंपल है, हमें वस्तु को ऊपर से नीचे गिराना है और समान समांतराल चूज करने हैं और प्रत्येक समान समांतराल में तय की गई दूरियां निकालनी और उनका अनुपात निकालने, ठीक है। तो समान समांतराल देखो क्या लेना है, देखो हमें ये लेना है सर, ये हमने ले लिया सपोज करो, ठीक है। सबसे पहले हमने t=0 लिया, फिर t=1 सेकेंड लिया, फिर t=2 सेकेंड लिया, t=3 सेकेंड लिया, t=4 सेकेंड, ठीक है। ये है सबसे पहली अवस्था t=0। सपोज करो सर ये t=1 सेकेंड हो गया और ये जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस है वो कितनी है, s1 है। कितनी है, s1 है पहले सेकेंड में तय की गई दूरी। s1 कौन है, पहले सेकेंड में तय की गई दूरी है। फिर सर ये है t=2 सेकेंड, सर ये है s2, सर ये है द्वितीय सेकेंड में तय की गई दूरी। फिर सर ऐसे ही आप t=3 सेकेंड ले लें और सर माना यहां जो दूरी है सर वो s3 है। ये है सर तीसरे सेकेंड में, देखो ये पहले सेकेंड में ट्रेवल डिस्टेंस, ये द्वितीय सेकेंड में और ये तृतीय सेकेंड में ट्रेवलिंग डिस्टेंस, ठीक है। पहले सेकेंड में तय की दूरी s1, दूसरे में s2, तीसरे में s3, तो ये हम इस तरह से लिख रहे हैं, ठीक है।
तो कैसे निकाले सर, किस तरह से निकाले? सॉरी आप ऐसे ले लें सर, ये एस वन है सर, यहां से यहां तक की डिस्टेंस एस वन कौन है सर, 1 सेकेंड में तय की गई दूरी सर, वो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है सर वो उसने ले ली, कौन है एस वन सर, कौन है ये सर, 1 सेकेंड में तय की गई दूरी। फिर हमें निकालना सर द्वितीय सेकंड में कितना चलेगा एस टू, तृतीय सेकंड में कितना चला एस थ्री, तो सर इन दूरियों का मुझे अनुपात निकालना, समान समांतराल में तय की गई दूरियों का मुझे अनुपात निकालना। तो कैसे निकालेंगे, तो देखो इसमें हम करेंगे पहले कि पहले आप निकालो 1 सेकंड में ट्रैवल डिस्टेंस कितनी है, फिर निकालेंगे 2 सेकंड में कितनी डिस्टेंस चला, फिर निकालेंगे 3 सेकंड में कितनी डिस्टेंस चला। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं टी बराबर, सबसे पहले हम निकाल रहे हैं टी बराबर 1 सेकंड में, टी बराबर 1 सेकंड में तय की गई दूरी। सर कहां से निकाले, कैसे निकाले, तो सर न्यूटन के गति के समीकरण यूज करेंगे। सर कौन सा यूज करेंगे, तो आप देखो हमारे पास 3 समीकरण, एक तो ये रहा वी इक्वलेंट यू प्लस जी टी, सर जी हवा में है, सर एच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और सर तीसरा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 जी एच। सर कौन सा हमें लेना, तो आप देखो हम यहाँ पे सेकंड इक्वेशन यूज करें, क्यों सर, हाइट हमें निकालनी है, प्रारंभिक हमें दे रखा है और टाइम हमें दे रखा है, यहां हमें प्रारंभिक दे रखा है, अंतिम वेग नहीं, प्रारंभिक अंतिम वेग नहीं, हमें क्या चाहिए हाइट, क्या दे रखा है प्रारंभिक, हमें सॉरी हमें क्या चाहिए टाइम दे रखा है, वेग दे रखा है, और क्या चाहिए हाइट। तो पहले निकालो 1 सेकंड में तय की गई दूरी, कौन निकाले सर h1, क्या निकाले h1 निकाले सर, क्या निकाले h1 सर, 1 सेकंड में तय की गई दूरी ये यहां से आप कितनी आएगी सर h1, तो सर h1 आ जाएगा आपका, h क्या होता है सर ut प्लस हाफ dt स्क्वायर होता है, तो सर ये हो गया u, ठीक है h1 आप निकालोगे तो हाइट क्या होता है, सूत्र क्या आंसर ये है h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ये तो बताओ यहां प्रारंभिक कितना है 0 है, इसलिए हाइट एच कितना आएगा, तो ये आएगा हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि प्रारंभिक कितना है 0 है, तो ये 0 करोगे यहां पे, तो अब डिस्टेंस कितनी आएगी हाफ जी टी स्क्वायर। अब आप यहां से निकालो, पहले क्या निकालो सर 1 सेकंड में कितना चलेगा, निकालो टी का मान 1 सेकंड डालो, तो 1 सेकंड की डिस्टेंस आ जाएगी, टी का मान 2 सेकंड डालना, ठीक है क्या करना है सर आपका, पहले 1 सेकंड की डिस्टेंस निकाल लो, फिर 2 सेकंड की डिस्टेंस निकाल लो, फिर 3 सेकंड में कितना चलेगा, फिर 4 सेकंड में कितना चला, ये सब निकाल लो। तो पहले निकाले 1 सेकंड में, तो t बराबर 1 सेकंड में ट्रैवल, नंबर वन t बराबर 1 सेकंड में तय की गई दूरी कितनी आएगी h1, कितना आएगा सर, ये आएगा हाफ ठीक है g, और इंटू में क्या आएगा सर 1 स्क्वायर, क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर, ओके, और 1 स्क्वायर जाए तो कितना होता है 1 ही होता है सर, तो कितना हुआ सर, ये आ गया 0/2, कितना आ गया सर ये g/2 आ गया, g/2 आ गया। अब आप क्या निकालें दूसरा, सर ये आ गया h1, सर ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस h1 आ गया, ओके। फिर अब निकालो सर t बराबर 2 सेकंड में वो टोटल कितना चलेगा, शुरुआत कहां से कर रहे हैं सर 0 से, तो देखो 2 सेकंड वो यहां से यहां जाएगा, सर ये है 2 सेकंड में उसके द्वारा ट्रैवलिंग डिस्टेंस s2, ठीक है 1 सेकंड में यहां से आया, दूसरे सेकंड में वो यहां से आया, तो दूसरा सेकंड नहीं ले रहा हमने, कह रहा टोटल 2 सेकंड लो, तो 2 सेकंड यहां से यहां तक का 2 सेकंड हो, तो 2 सेकंड में कितना चला s2, तो सर कितना आएगा सर s2 हमारे पास आ जाएगा, ये आ गया हाफ g, और इनटू में क्या आया सर 2 स्क्वायर, क्या आया 2 स्क्वायर, तो अगर आप इसका निकालोगे तो बोलो कितना आएगा, उसका निकालो तो कितना आएगा, ये 2 2 4, 2 2 क्या आएगा 4, और 2 कैंसिल हो तो कितना होगा सर, ये होगा ठीक है सॉरी ये आ जाएगा 4.g/2, 4.g/2 ऐसे ही सर। अब 3 सेकंड में कितना, देखो 3 सेकंड वो यहां से चलेगा, यहां से आते 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 यहां तक आएगा, यही आपका कौन है सर, ये सर ये है 3 सेकंड में तय की गई दूरी s3, तो सर s3 निकालो, तो बताओ तीसरा निकालो t बराबर 3 सेकंड में वो कितना चलेगा,
कितना आया सर एस3 निकाले कितना आएगा ये आएगा सर हाफ जी इंटू थ्री स्क्वायर हाफ इंटू जी थ्री स्क्वायर कितना आने वाला सर ये आएगा 9 डॉट जी बाई टू तो हमने क्या निकाला सर हमने निकाल लिया सर एक सेकंड में ट्रैवलिंग डिस्टेंस दो सेकंड में ट्रैवलिंग डिस्टेंस और तीन सेकंड में ट्रैवलिंग डिस्टेंस तो ये कितनी आई तो ये आया जी बाई टू ये आया सर 4 डॉट जी बाई टू सर ये आया 9 डॉट जी बाई टू ये है सर एक सेकंड में दो सेकंड में और तीन सेकंड में ट्रैवलिंग डिस्टेंस आप देखो अगर टोटल एक सेकंड में टोटल दो सेकंड में टोटल तीन सेकंड में तय की दूरियों का अनुपात अगर हम निकालें अगर सर इन दूरियों का अनुपात हम निकालें ठीक है अगर इन दूरियों का हम अनुपात निकालें कि सर ये एच वन आ गया सर यहाँ पे कितना है सर ये आया जी बाई टू सर ये एस टू दो सेकंड में कितना आ गया सर ये आ गया 4 डॉट जी बाई टू सर एस थ्री कितना आ गया सर ये आ गया 9 डॉट जी बाई टू ठीक है तो सर ये है एक सेकंड में तय की दूरी ये दो सेकंड में तय की दूरी ये तीन सेकंड में तो सर अगर टोटल समय में तय की दूरियों का अनुपात अगर हम निकाले सर कितना आ रहा है सर वो आएगा हमारा एच वन अनुपात एस टू अनुपात एस थ्री कितना आने वाला बताइए बोलो कितना आने वाला सर अगर अनुपात निकालेंगे तो देखो क्या होगा सर जी बाई टू से जी बाई टू कैंसिल जी बाई टू तो कितना आएगा सर यह आएगा 1:4:9 के ये जो तय की दूरी एच वन एच टू एस थ्री इसमें रिलेशन निकालो सर जी बाई टू जब कैंसिल होगा तो कितना होगा 1:4:9 में तो आप देखो तय की गई दूरियां क्या आई 1:4:9 में आया पर सर क्वेश्चन तो अलग है क्वेश्चन ये आया कि सर आंसर तो अलग आ रहा है आंसर तो अलग आ रहा है पर देखो यहां क्वेश्चन समझिए उसने कहा यह है वस्तु के द्वारा समान समय अंतराल में तय की गई दूरियां मतलब वो कह रहा है कि यहां ये जो क्वेश्चन है 1:3:5 तो ये क्वेश्चन अलग पूछ रहा है अभी हमने क्या निकाला अभी हमने निकाला है कुल एक सेकंड में कितना चलेगा कुल दो सेकंड में कितना चला कुल तीन सेकंड में टोटल पूरा टाइम लिया पूरा तीन सेकंड यहां से यहां तक का तीन सेकंड पूरा ले लिया ठीक है वो तो आया था 1:4:9 में अब बोल रहा है कि सर अब निकालो पहले सेकंड में कितना चला फिर उसके अगले सेकंड में कितना चला फिर उसके अगले सेकंड में कितना चला उनका अनुपात कितना है 1:3:5 में 1:3:5 अब देखो अब हमें क्या निकालना है सर पहले सेकंड में दूरी क्या निकालनी है सर कि सर इस पहले सेकंड में कितना चला देखो यहां से यहां तक कितना चला सर जी बाई टू चला कि सर दूसरे सेकंड में कितना चला देखो पहले सेकंड में कितना चला सर एच वन यही चल रहा है तो देखो प्रथम सेकंड में तय की गई दूरी एस वन निकालो पहले क्या निकालेंगे प्रथम सेकंड में तय की गई दूरी एस वन कितना आएगा तो सर पहले सेकंड में तो चल रहा है एच वन सर वो कितना है सर बोला ये जी बाई टू कितना है जी बाई टू तो निकाल दिया सर तो ये लो सर एस वन कितना है जी बाई टू है सर अब आप निकालो द्वितीय सेकंड में दो सेकंड में नहीं दूसरे से पर्टिकुलर दूसरे सेकंड में कितना चला द्वितीय सेकंड में तय की गई दूरी कितनी आएगी सर एस टू तो कैसे निकालना बताओ तो आप देखो एक सेकंड में एच वन चला सर दो सेकंड में यहां से यहां तक आ गया तो सर पर्टिकुलर सेकंड सेकंड में सर यहां से ये चला सर ये है सर द्वितीय सेकंड में दूसरे सेकंड में ये ट्रैवलिंग डिस्टेंस होगी पहले सेकंड में ये चला दो में इतना चल गया था तो सर पर्टिकुलर सेकंड में कितना चला सर सेकंड में ये चला तो कैसे सर एस टू से एच वन कम करो सर इस एस टू से इस एच वन को कट करो तो सर ये क्या आ जाएगा पर्टिकुलर आ जाएगा सर द्वितीय सेकंड में तय की गई दूरी समझ में आ रहा है पहले सेकंड में ये चला था एच वन अब हम निकालते हैं पर्टिकुलर द्वितीय सेकंड में कितना चला तो सर एक सेकंड में यहां तक आ गया था दो में सर वो यहां तक आ गया तो बताओ पर्टिकुलर सेकंड सेकंड कितना चला सर ये रहा ये है सर दूसरे सेकंड में तय की गई दूरी कैसे निकाले सर कुछ नहीं इस एस टू से ये एच वन कट करो सर ये आ जाएगा द्वितीय सेकंड तय दूरी कितना आएगा सर ये आएगा एच टू माइनस एच वन एस टू माइनस एच वन सर एस टू कितना है सर ये रहा 4g/2 एच वन कितना है सर g/2 ये कट करो तो 4.g/2 - g/2 अगर आप कट करते हो तो जानते हो कितना आएगा सर ये 4 से 1 जाएगा तो आएगा 3.g/2
3.g/2। तो ये हमने निकाल लिया द्वितीय सेकंड में तय की गई दूरियां, द्वितीय सेकंड में तय की गई दूरियां। अब ऐसे आप निकालो कि सर पर्टिकुलर तीसरे सेकंड में कितना चला, तो देखो ये है तीसरे सेकंड की तय की गई दूरी, तो कैसे निकालेंगे, तो ये कौन है S3, अब S3 से क्या निकाल दो S2, यहां तक 2 सेकंड हो गए थे, तो ये है डिस्टेंस तीसरे सेकंड की दूरी, कैसे निकालेंगे सर S3 से S2 कट करो, S3 से S2 कट करो, तो अब हम निकाल रहे तृतीय सेकंड की तय की गई दूरी S3 कितना आएगा, सर S3 से H1 कट कर S2 कट कर दो, तो ये S2 कितना है 9g/2, सर ये कितना है 4g/2, तो 9g/2 से 4g/2 कट करोगे, 9g/2 से ये कौन है आपका S3, इसमें क्या करना है S2, तो ये आएगा तीसरे सेकंड में तय की गई दूरी, तो 9g/2 से 4g/2 कट करो तो कितना आएगा 5g/2, कितना आ जाएगा, चलिए आ जाएगा 9g/2 माइनस 4g/2, तो ये कितना आएगा 5g/2। तो देखो हमने S1 निकाला, पहले सेकंड में कितना चला g/2, पहले सेकंड में कितना चला सर, पहले सेकंड में जो चला S1 वो कितना था g/2, दूसरे सेकंड में कितना चला सर वो आ गया 3g/2, तीसरे सेकंड में कितना चला सर 5g/2, निकाली अपन, पहले सेकंड में g/2 चला, दूसरे सेकंड में 3g/2, तीसरे में क्या चला 9g/2। ओके अगर मैं रेशन करूं तो देखो क्या होगा सर g/2 से g/2 g/2 तो कितना आएगा सर 1:3:5 में, पहले सेकंड में g/2 चल रहा है ना, तो अगले सेकंड में कितना चलेगा 3g/2, उसके अगले सेकंड में कितना चलेगा 5g/2। तो सर समान समांतराल में जो तय की गई दूरियां सर किस अनुपात 1:3:5 में है, किस अनुपात में आएगा, अगर हम S1 अनुपात S2 अनुपात S3 निकालेंगे तो ये आएगा 1:3:5:7 में चलेगा। तो ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, यही है गैलीलियो का विषम संख्याओं से संबंधित नियम, क्या कहना चाहता है कि यदि हम किसी वस्तु को विराम अवस्था से गिराए, यदि हम किसी वस्तु को विराम अवस्था से गिरा रहे तो विराम अवस्था में गिराने के साथ उसके द्वारा दो चीजें की हमने, नंबर वन एक तो कुल समय में तय की गई दूरियां, तो कुल समय में तय की गई दूरियां तो क्या होती है सर, देखो यहां पर h ½g/t², तो आप यहां से कह सकते हैं s = t², हाइट समय के वर्ग के समानुपाती है, 1 सेकंड तो 1 स्क्वायर, 2 सेकंड तो 2² 4, 3 सेकंड तो 3² 9, तो देखो सर 1:4:9 में चलेगा, तो ये तो यहां से निकालो कि कुल समय में तय की गई दूरियों का अनुपात सर 1:2:3:4² 1:4:9:16, ठीक है ये तो है। और दूसरा सर, दूसरा जो हमने निकाला वो क्या था, वो तो था सर पहले सेकंड में कितना चला, दूसरे सेकंड में कितना चला, तीसरे सेकंड में कितना चला, तो वो किस अनुपात में आएगा, तो वो तो ऐसे निकालना, पहले सेकंड तो निकाली H1 सर, दूसरे सेकंड में कितना चला सर S2 से H1 कट करोगे तो ये होगा बटवर दूसरे सेकंड का, सर तीसरे में कितना चला सर ये, तो क्या करना सर S3 से S2 कट करो तो ये पर्टिकुलर तीसरे सेकंड में चला, तो सर वो निकाल लिया S1 S2 और S3, और ये किस अनुपात में आया सर, ये आया 1:3:5 में, तो ये सेकंड वाला रिजल्ट है गैलीलियो का, ठीक है कि समान समय अंतराल में जो तय की गई दूरियां हैं सर उसका अनुपात क्या होता है सर 1:3:5, विषम संख्याओं के अनुपात में होता है, क्या होता है सर विषम संख्याओं के अनुपात में होता है, तो यही है गैलीलियो का विषम संख्याओं से संबंधित नियम, ठीक है। अब आप नेक्स्ट करिए और आगे चलिए, देखिए आगे क्या है,
देखिए अब हम ठीक है, न्यूटन के गति के समीकरण हमने कर लिए थे और इसमें हमने एप्लीकेशन भी समझ लिए हैं। अब हम लोग ग्राफ डिजाइन को सीखना चाह रहे हैं। हम डिफरेंट आपके टर्म्स लेंगे, जैसे विस्थापन हो गया, फिर वेग हो गया, फिर त्वरण हो गया। तो सर हम ग्राफ खींचेंगे, सर ग्राफ ड्रॉ करेंगे, सर किसमें? सर समय और विस्थापन में, ठीक है। दूसरा समय और वेग में। तीसरा सर, तीसरा हम खींचेंगे सर त्वरण और समय में, ठीक है। तीन स्टेप है, विस्थापन, वेग और त्वरण। विस्थापन, वेग और त्वरण, इनके हम ग्राफ डिजाइन करेंगे, इनके हम ग्राफ ड्रो करेंगे। तो जब ग्राफ ड्रो करेंगे तो सर किसके सापेक्ष? तो टाइम के सापेक्ष। विस्थापन और समय में ग्राफ खींचेंगे, दूसरा विस्थापन और वेग और समय में ग्राफ खींचेंगे, और सर त्वरण और समय में ग्राफ खींचेंगे। तो हमें ग्राफ को स्टडी करना आना चाहिए। देखो अभी तक तो क्या था, न्यूमेरिकल टाइप इक्वेशंस थे, आपको कुछ वैल्यू गिवन करी, कुछ वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो किससे? सर न्यूटन के गति के समीकरण से। न्यूटन की गति के समीकरण हम यूज कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं। लेकिन अब क्वेश्चन आपके लिए ग्राफ ड्रॉ करके आ जाएगा, ठीक है। एक ग्राफ ड्रॉ करेगा, बोलेगा इस ग्राफ के रिजल्ट लिखिए। तो आपको ग्राफ को रीड करना आना चाहिए। कोई भी ग्राफ आपको गिवन है तो उस ग्राफ को रीड करना आपको आना चाहिए। ग्राफ को रीड करें और उस ग्राफ से कनेक्टेड जो भी रिजल्ट है सर वो आपको लिखने होंगे, ठीक है। तो ग्राफ ड्रॉ होकर आ सकता है, उस पर क्वेश्चन डिस्कशन करेगा, या फिर ग्राफ ड्रॉ करवा लिया जाएगा, ठीक है। आपको क्वेश्चंस दिया जाएगा, बोलेगा इसका ग्राफ डिजाइन कर। तो हमें ग्राफ डिजाइन करना भी आना चाहिए, और दूसरा ग्राफ गिवन ग्राफ को, जो भी ग्राफ हमें दिया गया है उसको रीड करना भी आना चाहिए। तो अपने आप प्रैक्टिस होगी, आप अपन कुछ काफी सारे डिफरेंट के ग्राफ बनाएंगे और उनको रीड करना सीखेंगे, उनसे रिजल्ट्स बनाएंगे, तो अपने आप आपकी प्रैक्टिस होगी। तो सबसे पहले ग्राफ को शुरू करने से पहले, कोई भी जो ग्राफ है उस ग्राफ को अगर मैं शुरू करूं, उससे पहले दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैं बताना चाह रहा हूं। दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैं बताना चाह रहा हूं। क्या? कि सर पहला रिजल्ट देखो, क्या फर्स्ट रिजल्ट क्या है कि अगर हम, जैसे आपने यहां लिया टाइम, ये आपने क्या ले रखा है? टाइम ले रखा है, और सर ये आपने लिया विस्थापन। तो विस्थापन और समय में आप ग्राफ खींचना चाह रहे हो, विस्थापन और समय में आप ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हो। सपोज करो हमने ग्राफ ड्रॉ किया, तो सर हमारे पास इस तरह की एक लाइनर ग्राफ आ गए, ठीक है। ऐसे ही हम लोग सेकंड ग्राफ किसकी बात करेंगे? सर सेकंड हम ग्राफ बात करेंगे टाइम और वेलोसिटी में, कि हम टाइम और वेलोसिटी में भी ग्राफ खींचेंगे, टाइम और वेलोसिटी में ग्राफ खींचेंगे। तो सर यहां पे हम एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकालना चाह रहे हैं जो इन ग्राफ वाले विषय में बहुत इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है, रखता है, ठीक है। उसे बहुत सारे रिजल्ट हम निकालेंगे। देखो सर हमने डिस्प्लेसमेंट और टाइम में ग्राफ खींचा, सर ग्राफ में हमें एक लाइनर ग्राफ मिल गया। अब सपोज करो हमें जो भी लाइनर ग्राफ मिला सर, ऐसे हमने वेलोसिटी में खींचा, सर यहां भी हमें एक लाइनर ग्राफ मिल गया। तो क्वेश्चन ये सर, ये एक लाइन मिली हमें, तो सर इस लाइन का अगर हमें स्लोप निकालना है, तो अगर हम इस लाइन का स्लोप निकालना चाहते हैं, ढाल निकालना चाहते हैं, तो कैसे निकाले? सर इस लाइन का अगर हम ढाल निकालना चाहें तो कैसे निकाले? तो स्लोप किसी भी लाइन का, किसी भी कर्वेचर का, लाइन स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, कर्व टाइप भी हो सकती है, किसी भी एनी लाइन का स्लोप या ढाल निकाला जा सकता है। सर कैसे निकालते हैं? तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी भी लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल है। आप क्या करें, दो बिंदु उस लाइन पे कंसिडर करें, दो बिंदु आप उस लाइन पे कंसिडर करेंगे, और क्या करेंगे सर, उन दोनों बिंदुओं से जो आपका एक्स एक्सिस है उस पर भी लंब ट्रेस कर दें। ये लो सर कर दिया, एक्स अक्ष पर भी क्या करना है, लंब ट्रेस करना है, और सर वाई अक्ष पर भी लंब ट्रेस करना है। एक्स अक्ष पर भी क्या करना है, लंब ट्रेस करना है, और सर वाई अक्ष पर भी लंब ट्रेस करना है। सपोज करो ये जो वैल्यू हो सर कितनी है, टी वन है, सर ये वैल्यू कितनी है, टी टू है, सर ये कितनी है, एक्स वन है, और सर ये कितनी है, एक्स टू है। ओके क्या करना है सर, इसका मुझे ढाल निकालना है, तो क्या करेंगे सर, इससे दो बिंदु लें और सर एक्स पे भी लंब ट्रेस करें और वाई से भी लंब ट्रेस करें। अब क्या निकालें सर, ये निकालें, डेल एक्स निकालें, सर ये निकालें और सर ये निकालें, और क्या करें सर, सर इस डेल वाई में इस डेल एक्स का डिवाइड करें, एक्स एक्स पे भी लंब डालना है, वाई पे भी लंब डालना है, ठीक है, और इस डेल वाई
ये डेल वाई है आपका, इस डेल वाई में इस डेल एक्स का डिवाइड करो, तो डेल वाई क्या आएगा सर यहाँ पे देखो, ये कितना आएगा सर, ये आएगा एक्स टू माइनस एक्स वन, तो सर ये आएगा एक्स टू माइनस एक्स वन अपॉन सर ये है डेल एक्स, मैं बताना चाहूँ सर ये देखो ये है ये वाई आपको वाई ये एक्स एक्सिस है सर, एक लाइन मिल गई हमें इसका ढाल निकालो, क्या करना है सर बताइए क्या करना है सर, इससे भी लंब डाल दो बिंदु लिए, इससे लंब डालो एक्स पे वाई पे भी डाल दो, सर ये कौन है वाई वन, ये कौन है वाई टू, ये कौन है एक्स वन और ये कौन है एक्स टू, तो इसका ढाल एम, इसका ढाल कैसे निकालें, इस लाइन का ढाल कैसे निकलेगा सर, कुछ नहीं डेल वाई में डेल एक्स का डिवाइड करना, ये जो है ना ये डेल वाई में क्या करना डेल एक्स का, तो डेल वाई कौन होगा सर, वाई टू माइनस वाई वन में किसका भाग दो एक्स टू माइनस एक्स वन का, ये किसको रिप्रेजेंट करता है सर, इस लाइन के स्लोप को, इस लाइन की ढाल को रिप्रेजेंट करता है सर, ये ढाल है क्या स्लोप क्या, तो जानते हो ना क्या इसमें आपको ढलाव नजर आ रहा है क्या, हाँ सर आ रहा है ना, अगर हम यहाँ बॉल रख कर छोड़ दें, यहाँ आप बॉल रख के छोड़ दो, तो जैसे छोड़ोगे क्या बॉल लुढ़क कर आएगी क्या, तो लुढ़क कर आने का मतलब क्या इसमें स्लोप है, इसमें ढलान है, इसमें ढाल है, ये लुढ़क कर आ रहा है, सपोज करो सर ये एक लाइन है सर, ये आपकी ये लाइन है सर, यहां पर आप बॉल छोड़ी क्या लुढ़क कर इधर जाएगी, ये लुढ़क कर इधर आएगी नहीं सर, इसकी संभावना बहुत कम होगी, जीरो संभावना होगी सर, यहाँ कोई स्लोप नहीं है, मतलब अगर मैं इस पे रखू तो लुढ़क कर आएगी, इस पे रखू तो लुढ़क कर आएगी, इस पे रखू तो लुढ़क कर आएगी, तो सर यहाँ रखू तो लुढ़क कर आएगी, पर आप देखो जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो वैसे वैसे लाइन का ढाल बढ़ता जा रहा है, ढलान बढ़ता जा रहा है, और गेन गेन के आने की स्पीड भी बढ़ेगी देखो आप, पर ये है मैक्सिमम ढलान, इससे ज्यादा ढलान हो सकता है क्या, नहीं सर, ये मैक्सिमम ढलान, तो इससे ज्यादा ढलान नहीं होगा, तो ये ढलान कितना है जीरो, ये कितना है अधिकतम, ऊपर जाओ तो ढलान धीरे धीरे क्या हो रहा है बढ़ रहा है, ठीक है ढलान क्या हो रहा है बढ़ रहा है, और फिर आप नीचे आओगे तो वापस ढलान क्या घटेगा, फिर क्या होगा जीरो, तो आप देखो कंटिन्यू ढाल मतलब ढलान, उस लाइन में कितना ढाल है कितना ढलान है, तो सर मुझे इसका ये स्लोप निकालना, कैसे निकालेंगे सर, कुछ नहीं यहां से दो बिंदु लिए, यहां भी लंब ट्रेस किया, यहां भी लंब ट्रेस किया, ये कौन होगा डेल वाई, ये कौन होगा डेल एक्स, ठीक है, तो डेल वाई में डेल एक्स का डिवाइड करो, तो ये कौन होता है ढाल, आप बताओ मुझे यहां पे ढाल निकालना है, किसमें देखा आपने ग्राफ किसमें है सर, ग्राफ हमने खींचा है विस्थापन व समय में, ग्राफ किसमें खींचा हुआ हमने, विस्थापन और समय में खींचा हुआ है, यहां ग्राफ किसमें खींचा हुआ है दूसरा, और वो खींचा हमने वेग व समय, वेग व समय में ग्राफ है, अब हमें दोनों में ढाल निकाल, सर ढाल के सर डेल वाई में डेल एक्स का भाग दो, तो वाई जगह यहाँ पे कौन है विस्थापन है, और सर एक्स की जगह कौन है सर टाइम है, कोई बात नहीं टाइम विस्थापन विस्थापन लो टाइम लो टाइम लो, वाई जगह कौन है विस्थापन और एक्स जगह कौन है टाइम, तो बताओ क्या होगा डेल वाई में डेल एक्स का भाग दो तो कितना आएगा सर, ये आएगा आपका एक्स टू माइनस एक्स वन अपॉन T2 माइनस T1, तो सर यही है रेखा का ढाल, सर एक्चुअल में ये हुआ क्या सर, ये है विस्थापन, ये कौन है विस्थापन है सर, ये क्या है सर विस्थापन में परिवर्तन, विस्थापन में कुल परिवर्तन, और सर ये कौन है सर परिवर्तन में लगा कुल समय, एक्चुअल में कौन है सर ये डेल एक्स अपॉन डेल टी है क्या, विस्थापन में परिवर्तन अपॉन परिवर्तन में लगा समय, और आप जानते हो ये कौन होता है सर, ये तो विस्थापन में परिवर्तन और सर ये परिवर्तन में लगा समय, तो सर हम जानते हैं सर ये तो क्या होती है वेलोसिटी होती है, विस्थापन में परिवर्तन की दर, जैसे बोलो विस्थापन में कुल परिवर्तन और परिवर्तन में लगे कुल समय का अनुपात, वस्तु या व्यक्ति क्या कहलाता है सर वेग कहलाता है, तो यहां से हमने एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकाला कि अगर हम ग्राफ किसमें ड्रॉ करें विस्थापन और समय में, यदि हम ग्राफ किसमें ड्रॉ कर रहे हैं विस्थापन और समय में, तो उसमें जो ग्राफ लाइनर ग्राफ मिलता है या कोई ग्राफ मिल रहा है उसमें अगर हम स्लोप निकालेंगे लाइन का स्लोप निकालेंगे तो सर वो किसको जा रहा है सर वो उसकी वेलोसिटी को जा रहा है, ठीक है, अगर विस्थापन और समय में ग्राफ हो तो किसी लाइन का जो स्लोप है या ढाल है सर वो किसको रिप्रेजेंट करता है वेग को, किसको रिप्रेजेंट करेगा वेग को, यहां जितना भी स्लोप है यहां जितना भी स्लोप एम की वैल्यू होगी सर वो किसको रिप्रेजेंट करेगा वेग को, तो आप देखो इससे एक इंपॉर्टेंट निकल कर आया कि विस्थापन और समय में जो ग्राफ लाइनर ग्राफ मिलता है या जो कर्व लाइनर ग्राफ मिलती है सर उसमें जो लाइनर ग्राफ है या कर्व ग्राफ है उसका जो स्लोप है उसका जो ढाल है सर वो किसको जाता है वेग को, तो ढाल के बेसिस पे वेग को हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि ढाल अगर यहाँ पे 5 है तो वेग भी कितना होगा 5, यहाँ ढाल 10 है तो वेग भी कितना होगा 10, यहाँ ढाल देखो कितना है 0 है, इसमें कोई ढलान दिख रहा है सर, ये तो हॉरिजॉन्टल है क्षैतिज है, तो इसमें ढलान कितना है 0, देखो यहाँ ढाल कितना है 0, तो वेग कितना होगा 0,
फिर आपने ये वाला ढाल बढ़ गया तो वेग भी बढ़ गया, यहाँ ढाल और बढ़ा तो वेग बढ़ गया, यहाँ ढाल क्या है अधिकतम तो वेग भी क्या है अधिकतम। तो ढाल के बेसिस पे, ढाल के बेसिस पे सर हम किसका निर्धारण करेंगे वेलोसिटी का, पर ये तभी है जब ग्राफ किस में ड्रॉ हो विस्थापन और समय। तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि विस्थापन और समय के मध्य अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो जो लाइनर ग्राफ मिलता है उस लाइन या कर्व लाइन का जो ढाल है सर वो वेग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप बताइए ऐसे आप इसमें आ जाओ, ऐसे आप किसमें आ जाओ इसमें आ जाओ, आप बताइए कौन है आपका सर। अभी हमने ग्राफ किसमें खींच रखा है बोलो, अभी हमने ग्राफ खींच रखा है वेग और समय में। तो सर इसमें ग्राफ मिला लाइन, तो इसमें ग्राफ क्या बना सर ढाल बनाओ, तो सर दो बिंदु लो वही सर, दो से आप इस पे भी लंब ट्रेस कर दो, कर दिया सर यहां पर भी लंब ट्रेस कर दो। ओके सर कुछ नहीं क्या, दो बिंदु लिया सर यहां भी लंब और यहां भी लंब ट्रेस कर दिया। अब सर क्या सर स्लोप ढाल निकालना सर, इस रेखा का ढाल सर कैसे निकालो सर बताया था डेल वाई अपॉन डेल एक्स, डेल वाई अपॉन डेल एक्स, तो ये कौन है टी वन, सर ये कौन है टी टू, और सर ये कौन है वी वन, और ये कौन है वी टू। तो सर स्लोप कैसे निकालो सर, कुछ नहीं डेल वाई में डेल एक्स का डिवाइड करो, डेल वाई में डेल एक्स का डिवाइड करना है, तो सर डेल वाई कौन है, तो डेल वाई है आपका वी टू माइनस वी वन, और डेल एक्स कौन है सर टी टू माइनस टी वन। तो एक्चुअल में ये क्या हुआ सर, वेग में परिवर्तन और ये है परिवर्तन में लगा समय, ये कौन है सर वेग में परिवर्तन और नीचे कौन है सर परिवर्तन में लगा समय। तो ये एक्चुअल में ये तो सर क्या होता है सर वेग में परिवर्तन की दर, ऐसे हम क्या बोलते हैं त्वरण बोलते हैं। तो एक्चुअल में सर ये कौन है डेल वी अपॉन डेल टी हुआ, जिसे हम क्या बोलते हैं त्वरण बोलते हैं। तो क्या समझ में आया कि सर यहां जो स्लोप है वो त्वरण को जा रहा है, तो देखो आप रटे नहीं कि स्लोप वेग या त्वरण को जाएगा, जो किसी भी ग्राफ में लाइनर ग्राफ है या कर्व लाइन ग्राफ है उसका स्लोप वेलोसिटी को भी जा सकता है, उसका स्लोप त्वरण को भी जा सकता है, उसका स्लोप वेलोसिटी को भी जा सकता है, और उसका जो स्लोप है सर वो त्वरण को भी जा सकता है। वो किस पे डिपेंड करेगा सर, वो डिपेंड करेगा कि आपने ग्राफ किस में ड्रॉ कर रखा है। अगर ग्राफ किस में है विस्थापन और समय में, यदि ग्राफ किस में है विस्थापन और समय में, तो जो स्लोप है वो किसको जाता है वेग को, वो स्लोप किसको जाता है वेग को। तो यहां हम ढाल के बेसिस पे वेग का निर्धारण करेंगे, ढाल कितना है जीरो तो वेग कितना होगा जीरो, ढाल क्या है मैक्सिमम तो वेग भी क्या है मैक्सिमम, ठीक है। लेकिन अगर यही ग्राफ किसमें हो वेग और समय में, यही ग्राफ किसमें हो वेग और समय में, तो वेग और समय में ग्राफ है तो उस केस में हम क्या करते हैं बताइए, उस केस में हम लोग क्या करेंगे सर ढाल के बेसिस किसका निर्धारण करेंगे त्वरण। तो ये ढाल वेग को भी जाता है और ढाल त्वरण को भी जाता है, डिपेंड करता है कि ग्राफ किसमें ड्रॉ किया, ग्राफ अगर विस्थापन और समय में है तो वेग को जाएगा, ग्राफ किसमें है वेग और समय में है तो जो ढाल है किसको जाएगा त्वरण को जाएगा। तो ढाल के बेसिस पे हम वेग कैसे निकालेंगे त्वरण कैसे, तो हम उसका स्लोप निकालेंगे, स्लोप देखेंगे स्लोप कितना है जीरो तो त्वरण भी क्या है जीरो, स्लोप क्या है जीरो तो वेग भी क्या है जीरो, स्लोप क्या है अधिकतम तो वेग भी क्या है अधिकतम, स्लोप क्या है अधिकतम तो वेग भी क्या है अधिकतम। आगे जाने पे स्लोप बढ़ रहा है इसका मतलब वेग बढ़ रहा है, वेग बढ़ रहा है स्लोप बढ़ रहा है तो वेग बढ़ रहा है, स्लोप घट रहा है तो वेग घट रहा है, समझ में आ रहा है। तो हम स्लोप के बेसिस पे भी हम लोग वेग या त्वरण का निर्धारण करेंगे। तो ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो हमें नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ज्यादा काम में आएंगे। तो दोनों को ध्यान रखना कि विस्थापन और समय ग्राफ में, विस्थापन और समय ग्राफ में लाइनर या कर्व लाइनर ग्राफ का जो ढाल होता है वो वेग को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा वेग तथा समय ग्राफ में, वेग तथा समय ग्राफ में जो लाइनर ग्राफ या कर्व लाइनर ग्राफ है उसका जो स्लोप है सर वो त्वरण को परिभाषित करता है या त्वरण को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अर्थात स्लोप के बेसिस पे हम लोग वेग या त्वरण का निर्धारण करेंगे, स्लोप जीरो तो वेग जीरो, स्लोप जीरो तो त्वरण जीरो, ठीक है। स्लोप देखेंगे स्लोप मैक्सिमम तो वेग भी मैक्सिमम, ठीक है। इस तरह से हम इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में अब हम क्या करेंगे कि हम ग्राफ ड्रॉ करें किसमें विस्थापन और समय में, दूसरा वेग और समय में, तीसरा त्वरण और समय में, और अलग अलग ग्राफ ड्रॉ करेंगे और एवरी ग्राफ से कनेक्टेड हमें रिजल्ट लिखना आना चाहिए, ग्राफ को रीड करना सीखेंगे, रीड करके उसके क्या रिजल्ट बन रहे हैं उस रिजल्ट को ऊपर लिखेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू।